हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्ले विद अंजलि। आई एम अंजलि मिश्रा और आज हम करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मन चल रहा है गाइस। तो मैंने सोचा कि मैं खुद तो बर्थडे ड्रेसेस ढूंढ रही हूँ, पर मेरी तरह और भी लोग बर्थडे ड्रेसेस ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उनके बर्थडे आने वाले होंगे एंड दे वॉन्ट देयर बर्थडे टू बी स्पेशल। तो उसी के लिए आई थॉट वाई नॉट टू टेक आउट ऑल माई बर्थडे ड्रेसेस जो मैंने हर साल अपने बर्थडे पे खरीदी हैं पहनने के लिए, आप लोग को भी दिखाऊं, ताकि इनमें से कोई सी भी आउटफिट जो आप लोग चाहते हो वो आप लोग ले सको। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट ड्रेस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट ड्रेस गाइज। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों पसंद है। सी, इट्स द प्रिटीएस्ट रेड कलर। ये आगे ऐसे है और आपके पास स्लिट में आती है। फोटोज मेरे पास सबके साथ है एंड दे लुक ऑसम। देखो यहाँ पे आगे से स्लिट भी आ जाता है आपके पास। इट्स अ शॉर्ट लेंथ, मिड लेंथ कह सकते हैं, शॉर्ट ही है, नी से ऊपर आती है आपको ये ड्रेस। तो इफ समबडी हु लुक्स फॉर द हॉटेस्ट ड्रेस, तो दिस इज द वन यू शुड गो फॉर। बहुत प्रिटी है एंड आई एम इन साइज एम हेयर। और ये है पूरा आउटफिट, बहुत ही स्टनिंग आउटफिट है। आप इसको बेल्ट लगाकर भी पहन सकते हो एंड इट इज इन फैब्रिक सैटन। ना लोग बहुत ज्यादा सैटन में बर्थडे आउटफिट्स ले रहे हैं, तो आई थॉट कि ये आप लोग के लिए परफेक्ट मैच रहेगा इन केस यू आर लुकिंग, बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल भी था गाइज। और प्राइसेस मुझे याद नहीं है, मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप देख लेना कि कितने का था। मेरे को शायद लगता है कि मैंने अंडर 1000 rupees इसको खरीदा था, विच इज अ स्टील डील। नेक्स्ट अप वी हैव इज समथिंग इन पेस्ट कलर्स गाइज। तो क्या होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क कलर्स पहनना पसंद करती हूँ, बिकॉज दैट कॉम्प्लीमेंट्स माई स्किन टोन। बट आई वॉन्टेड टू गिव अ ट्राई टू दिस कलर एज वेल एंड दिस इज दी परफेक्ट पेस्टल कलर जो आप लोग आजकल ढूंढते हो। एंड द स्टाइल गाइज, इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, इट्स नॉट अ मिड लेंथ ड्रेस, इट्स अ लॉन्ग लाइक टिल योर लेग्स, कंप्लीट बॉडी कवर हो रही है आपकी, वैसा वाला ड्रेस है। आगे आपके पास इस तरह से नेक है एंड पीछे आपके पास बैंड है, ताकि आराम से आप कंफर्टेबली एडजस्ट हो सको इस ड्रेस के अंदर। इट्स अ बॉडी कॉन वेल सूटेड, मतलब आपकी पूरी बॉडी हगिंग वाले कपड़ा है ये, पूरी तरह से आपकी बॉडी को हग कर लेगा एंड इट फिट्स लाइक मैजिक, मैजिक की तरह फिट होता है। और आगे ना आपके पास, जैसे आप सोच रहे हो ना, यहाँ देखो ये स्लिट्स हैं आपके पास यहाँ पे, तो आप स्लिट का भी अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना खूबसूरत आता है होगा। देखो यहाँ पे आपके बंद है, देन यहाँ पे आपकी स्लिट है, जो विच इज़ दी बेस्ट थिंग। और ये स्लिट ना इधर उधर नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल हो या आपको स्टिच करना पड़े, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बहुत ही परफेक्ट जगह पे है कि आपका पूरा ऐसे बहुत सुंदर लग सकते हो गाइस, बहुत सुंदर। मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे, तो बहुत सुंदर लग सकते हो आप लोग। इन दिस इज अंडर 1400 का समथिंग, अंडर दैट प्राइस ओनली। तो ये बहुत प्यारा प्यारा था और बहुत मॉडेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज समथिंग अगेन इन पेस्टल कलर्स, लैवेंडर। लैवेंडर लोग आजकल इतना ज़्यादा पहन रहे हैं, इतना ज़्यादा पहन रहे हैं। और जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसके साथ वीडियो डाली, तो लोग वर लाइक आस्किंग मी फॉर लिंक्स लिंक्स लिंक्स, और वहाँ पे भी आपको लिंक्स देने में बहुत मुश्किल होती है, स्टोरी पे लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो विल बी द बेस्ट थिंग, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है अगेन, आई एम इन साइज एक्सेस। एक तो मेरी सारी आउटफिट के साइज ना इधर उधर 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 होते हैं। मिंत्रा पे पता नहीं ये रहता है, कभी कोई ड्रेस अच्छी तरह से फिट आएगी कोई साइज में, कोई कोई ड्रेस कोई साइज में फिट आएगी। तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सचेंज वगैरह करवा के अपनी परफेक्ट साइज ले लेती हूँ। बट अगर आप यही ड्रेसेस ले रहे हैं और आप मेरी तरह हैं, बिल्कुल मेरी तरह आपकी बॉडी टाइप है, देन यू कैन गो फॉर whatever size I am choosing, you can go for that too. And ये है पूरा proper, आपके पास neck है, neck में बहुत सुंदर सी detailing है, and then again we have some slit hair. ये short dress में ही है, it looks very pretty, very sober, very good. आप अगर आपका morning event है तो भी आप पहन सकते हो, अगर आपका evening party event है then also you can wear it. And you know what, I got it just for ₹700 something, मतलब ये 800 से ऊपर का नहीं है, तो that's something a steal deal I can say, क्योंकि बहुत affordable price में था। और ये बहुत सुंदर लगता है guys, बहुत सुंदर जब इसे पहनते हैं ना, कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे अभी मैंने लैवेंडर कलर ही पहना हुआ है एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग माई स्किन। तो इनकेस कोई मेरी तरह डार्क स्किन टोन का है, दैट कैन दे कैन ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, इनकेस दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू लाइक सम अदर कलर्स, जस्ट नॉट स्टिकिंग टू डार्क कलर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास है एक
लॉन्ग गाउन टाइप फ्लोई गाउन जो बहुत ज्यादा लोग बेरी लश का ले रहे थे एंड दैट इज व्हाट आई आल्सो गॉट इट फॉर माई सेल्फ. दिस इज दी ड्रेस. यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसका नेक. गाइज बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत. एंड आपके पास अगेन ये पूरी ऐसे फ्लोई फ्लोई सी ड्रेस आती है, स्लिट के साथ आती है. सारी मुझे से लग रहा है सारी ड्रेसेस मैंने आपको स्लिट वाली ही दिखाई है. तो या अगर आप लोग ऐसे ड्रेसेस पसंद करते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस. क्योंकि ये क्या है ना, ये आपका मतलब एक तो कलर, मेरा इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है इसका कलर, वाइन कलर. गाइज बेस्ट कलर लगता है मुझे तो. मतलब मेरे पास सारे अलग अलग कलर्स में थे ना, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देख के. मेरी आउटफिट में अब देख रही हूँ कि मेरे पास सारे कलर्स की आउटफिट है. तो हाँ, दिस इज दी ड्रेस. और ये प्रॉपर ऐसा है, पीछे से आपके पास एडजस्टेबल स्ट्रिप्स आती हैं, आप आराम से अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो इसे. स्लिट आपको थोड़ी सी भी बड़ी लगे तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन सकते हो, या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहते हो उतना आप स्ट्रेच करवा के, या फिर आप सेफ्टी पिन का यूज करके सिक्योर कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर दिस फ्लोई ड्रेस. लोग आजकल ना जैसे प्री वेडिंग शूट्स करवाते हैं ना, तो उसमें भी दे कैन गो फॉर दिस ड्रेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लोई लगता है और बहुत ज़्यादा ऐसे वाली वाइब्स देता है. सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वन. इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड बेल आइकन जरूर दबाना गाइज, ताकि कोई न्यू वीडियो आए तो आप लोग सबसे पहले पता चल जाए. बाय बाय.